ललितपुर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कारागार एवं होमगार्ड विभाग उत्तर प्रदेश धर्मवीर प्रजापति जेल कारागार एवं नव निर्वाचित जेल भूम का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को आदेश दिया कि जन समस्याएं सुनी जाए और समाधान किया जाए। R9 भारत के लिए पूजा कश्यप की रिपोर्ट। और जिनकी उम्र ज्यादा हो रही है उनको हम छोड़ रहे हैं, लेकिन न्यायपालिका में हम कुछ नहीं कर सकते। सर जो गलत फंसे हुए हैं वो भी फंसे रहे हैं। वो बेटा न्यायपालिका के है, न्यायपालिका से उन्हें बोल देते सामने वाला कुछ कर देता हो। ये हमने कहा है, हमने कहा एक काम करिए, जो गलत फंसा है और वो न्याय सुनिए, जो न्यायालय उसे बरी कर दे। पहले सुन लो बेटा, जो न्यायालय उसे बरी कर दे। जेलों में मैंने जब निरीक्षण किया है तो अधिकतर संख्या में नौजवान पीढ़ी है। मैंने एक लक्ष्य बनाया है कि नौजवान पीढ़ियों से सीधा संवाद किया जाए और उनको माइंड को बदला जाए। नौजवान पीढ़ी हमारे प्रदेश का भविष्य होते हैं। नौजवान पीढ़ी जिस घर से आते हैं उस परिवार का भविष्य होते हैं। उनकी सोच बदली जाए और उनको व्यवहार उनका बदले, ये प्रयास मेरा है। और रक्षाबंधन आने वाला है, मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहूँगा कि मेरा लक्ष्य है इस बार कि कोई भी कैदी बिना राखी के न बचे इस बार। क्योंकि महिलाएं बहनें आती होंगी, 10 आ गई, 20 आ गई, 30 आ गई, अपने 20-30 लोगों के बांध के चली गई, जिनके नहीं बंधती होगी वो महसूस करेंगे, अपेक्षित महसूस करते होंगे, मायूस होते होंगे कि मेरा आज कोई होता तो मेरे भी राखी बांधने आता। इसलिए मैंने सभी जेल अधीक्षकों से कहा है कि व्यवस्था ऐसी करिए हमारे महिला समूह हो, नहीं तो हमारी बहनें, हमारी महिला मोर्चा है भाजपा की, उनको, और नहीं तो फिर हमारी महिला बंदी भी हैं, उनके माध्यम से सभी कैदियों के रक्षाबंधन पर राखी बंधे ये सुनिश्चित हो। और बैरकों में जिस बैरक में बंदी रहते हैं उस बैरक पे हमारे जो प्रधानमंत्री का जो आह्वान है तिरंगा का, वो बंदी उस बैरक पे अपना झंडा फहराएं, ये भी हमारा एक अभियान चल रहा है। निरीक्षण के दौरान क्या कमियां आपने पाई और आवश्यक दिशा निर्देश आपने दिए? व्यवस्थाएं तो ठीक है, खाना भी ठीक मिला है, रोटी बनती दिख रही है, रोटी अच्छी बन रही है। बंदियों की संख्या देखें, क्षमता कम है जेल की। आए हम इसीलिए हैं। आपको भी पता होगा कि यहाँ हमारी जमीन खरीद ली गई है और जल्दी ही हमारी नई जेल का निर्माण होगा। सर कितने संख्या हमारी जेल भरी है? बैरक में अधिक कैदी हैं, उनका निस्तारण किस तरह? देखिए इतनी जल्दी न तो व्यवस्था बैरक खड़ी हो सकती है, स्थानांतरण हो रहा है। सर जिनकी सजा हो गई है, जिनकी सजा हो गई वो भेज जा। आपके विभाग में होमगार्ड विभाग आपके पास है, उसमें भ्रष्टाचार का एक मामला है और आपके भी संज्ञान में है कि यहाँ जो विकलांग है उसकी जगह पर उसके परिवार के किसी को वो मिलती है 5 लाख रुपए मिलते हैं, लेकिन यहाँ कुछ जो कागजों को तैयार करके दूसरे को उसका विकलांग सर्टिफिकेट भी बना दिया गया, उसके बाद उसे नौकरी दी जा रही थी, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के लोगों की शिकायत के आधार पर उसे कैंसिल कर दिया। अब क्या उस पर कार्रवाई हुई? जो यहाँ के बाबू लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई? कई सालों से यहाँ रुके हैं और इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं, ऐसे भ्रष्टाचार वाले कार्य को अंजाम दे रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? मेरी ये जानकारी प्रकरण आपके माध्यम से आया है, इससे पहले नहीं आया है और इसकी मैं अब समीक्षा करूँगा। और अगर ऐसा है कोई भी गलत करेगा तो उसको तो निश्चित ही जो भी होगा। कितनी जेल भर रही है मंत्री? कितनी जेल भर रही है जी? रक्षाबंधन पे या हवाई दौर पे जो आपकी पहले सराहनीय है, लेकिन जहाँ देखा गया ललितपुर में कि यहाँ 1,000 रुपया लिए जाते थे मिलने के लिए, हम लोगों ने कवर किया उस चीज़ को, उस समय जेलर थे, 1 साल पहले हो गया, वो क्या परिस्थितियाँ द्वारा निर्मित होंगी या उनको सुधार होगा? अभी हमने बोला है जी कैदियों के साथ जो पेशेवर कैदी है उसके साथ कोई ढिलाई नहीं, और जो अनायास किसी घटना में आता है उसके साथ मानवीय व्यवहार का निर्देश दिया है, अभी दिया है। और हमने ये भी कहा है कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, कोई शिकायत हमें मिलनी नहीं चाहिए, हमने कहा है। जेल भर रही है कितनी क्षमता वाली भर रही है? जेल दो जेल भर रही है, दो जेल बन रही है, कितनी क्षमता वाली है? क्षमता कितनी है? केंद्रीय कारागार बनेगी जी 4,500 केंद्रीय नहीं, अलग 2,000 की बनाएंगे और एक केंद्रीय कारागार, दो जेलें बनाएंगे जी, उसमें केंद्रीय कारागार होगी और एक इसको महिलाओं के लिए रखेंगे, इस तरह बनाएंगे जिला।